एक सेकंड में तो बता दो आपका नाम क्या है? मैं नाम जीशान। जीशान, 3:30 बजे हमारे कैंप पे हमला हुआ, उस टाइम ड्यूटी पे कौन था? ये जिम्मेदारी किसकी थी? किस टाइम हमला हुआ? 3:30 बजे आपके पुलिस के अधिकारी यहाँ गाड़ी में थे, उनको भी हमने बताया, उन्होंने कहा ये हमारा डोमेन नहीं है। इस कैंप की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की, इंतजामिया की है। इंतजामिया की है ना, तो आप सबसे पहले ये बताएं 3:30 बजे हम पर किसने हमला किया? नहीं, 3:30 बजे किसने हमला किया, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप बताएं जो निकाब पोश लोग आए थे वो कौन थे, जिन्होंने औरतों और बच्चों पर हमला किया बंदूक के साथ? आप मौजूद थे, आपने देखा? जी बिल्कुल, आपके पास फुटेज, मेरे पास फुटेज भी है, जाए मीडिया में देखिए, दिखाओ इसको फुटेज। और स्पीकर भी हमारे लेकर गए, आप मुझे दिखाएं, मैं पता करता हूँ ना। कैसे पता करेंगे? आपकी जिम्मेदारी ये है, आपकी सीरियसनेस है कि आपने जो है ना बाढ़ लगा कर जो है ना अपने लोगों को यहाँ तैनात किया हुआ है, और आपके लोग जो है ना फैसिलिटेट कर रहे हैं हमलावरों को कि हमारे ऊपर आकर हमला करें। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब कुछ आपकी हिफाजत के लिए। कैसा हिफाजत? आप मुझे बताएं आपकी हिफाजती निज़ाम क्या है कि 3:30 बजे जो है ना वीगो गाड़ी वाले आकर बंदूकों के साथ औरतों और बच्चों के ऊपर हमलावर होते हैं और यहाँ से चोरी करके चीजें ले जाते हैं, और आपको पता भी नहीं है, इल्म भी नहीं है आपको इस चीज़ का? यही तो बता रहा हूँ ना, आप मुझे दिखाएंगे ना कि कहाँ पर हमला हुआ, कैसे हुआ? कैसे आपको नहीं बताया? आपके पुलिस अफसरान ने आपको नहीं बताया जो यहाँ पे तैनात है? कोई मतलब नहीं है, दिखाए इनको, कोई फुटेज दिखाए इनको, जल्दी दिखाए। बाकी हम सारे लोग आपकी हिफाजत के लिए, कैसी हिफाजत आप बताए? आप एक्सेप्ट कर रहे हैं आपने हमलावरों को फैसिलिटेट किया है? क्या चीज लेके गए हैं, कौन था यहाँ पर उस टाइम? वो आपकी जिम्मेदारी है ना, आप बताएंगे लोग कौन थे जिन्होंने निकाब पोश होकर जो है ना हमलावर हुए कैंप में? आपकी पुलिस जो यहाँ पे तैनात थी, जब उनसे पूछा, हम लोगों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये हमारा डोमेन है ही नहीं। किसका डोमेन है ये? खारदार तारे आपने क्यों लगाई है? कल को मतलब यहाँ कोई मर भी जाए आप लोगों को कोई एहसास नहीं? हम तो देखें, ये जो खारदार तारे लगी हुई हैं ये सिर्फ आप लोगों की हिफाजत के लिए हैं। कौन सी हिफाजत? बच्चे हैं तो बाहर रोड पे ना निकले। नहीं, आप पहले ये बताएं कि जिन लोगों ने हम पर हमला किया वो कौन थे? आप ये फुटेज आपने मुझे दिखाई है, मैं खुद इसका पता करता हूँ कि ये क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। नहीं, मसला ये है ना, आपके लोग यहाँ तैनात थे, उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि कैंप पे कुछ लोग आए थे हमलावर? मैं भी इस चीज का पता करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करता हूँ क्या है क्या नहीं, सारा कुछ आपको अपडेट करूंगा। जी हाँ बिल्कुल, और आप अपडेट करेंगे और मीडिया के सामने बताएंगे कि वो लोग कौन थे? आपकी हुकूमत यहाँ इस्लामाबाद में आपने सब चीजें कंट्रोल की हुई है ना, आप लोगों ने हम पर FIR दर्ज किए कि हम डकैत थे, हम हमलावर हुए थे ना। अब मैं देखती हूँ कि आप इन वीगो गाड़ी वाले नामालूम अफराद को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और दुनिया के सामने कैसे उनको बोलेंगे कि वो लोग कौन थे जो हम पर हमलावर हुए, वो लोग कौन थे जिन्होंने औरतों और बच्चों को हरासा करने की कोशिश की थी? अगर वो कोई बंदूक की गोली चलाते, उसकी जिम्मेदारी को किसकी थी? बताए। कोई भी नहीं चलाता ना, एक ऐसा किस्म की। कैसे नहीं चलाता? आप लोग तो बोल रहे थे कि हम हिफाजत करेंगे, आपकी हिफाजत की ये लकीर है? नहीं, हम आपकी हिफाजत के लिए। कैसी हिफाजत आप एक्सेप्ट करेंगे? हिफाजत ही कर रहे हैं। मैं कैसी हिफाजत कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाह रही है? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने मुझे फुटेज दिखाई है, मैं इसके बारे में पता करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। एसपी साहब, फुटेज नहीं, मसला ये है कि आपने लोग यहाँ तैनात थे ना, क्यों उनको एक्सेस क्यों दी गई? ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट था ना, ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट था ना, इससे आगे ये लोग कैसे? यहाँ देखें, एक तो एक्सेस किसी की भी नहीं है, आपके अपने लोग जो हैं वो यहाँ पर इतना रश मचा देते हैं, इतना भी रश मचा नहीं। हमारे लोगों के पास वीगो गाड़ी नहीं है, वीगो गाड़ी के कॉपी राइट जो है ना जिन लोगों के पास है वो आप लोगों को पता है, ठीक है ना? बंदूक हमारे लोगों ने नहीं उठाए, हमारे लोगों के हाथ में तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें हैं जो आप लोगों ने हजारों सालों से उनके प्यारों को अगवा किया हुआ है, ठीक है ना? हमारे लोगों के हाथ में बंदूक की नहीं है, बंदूक उठाने के 70 सालों से आपके लोगों ने हमारे खिलाफ उठाया है, ठीक है? आप इसका नोटिस करेंगे? नोटिस लेंगे? अगर नहीं, 2 घंटे के अंदर अगर आपने नोटिस नहीं लिया तो मैं आपको बोलती हूँ कि हमारे कातिल आप है, आप अपनी ये गाड़ियाँ यहाँ से हटा देंगे, हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे, अपने बाढ़ यहाँ से हटा देंगे। नहीं है, नहीं, आप बताएं कि आपके मैंने भी तो पता करना है, मैं भी मौजूद हूँ। आपको इस बात पे कहने का बिल्कुल भी वो नहीं है कि आपने इस कैंप की जिम्मेदारी उठाई है, हिफाजत की, और लोग हमलावर के लिए ही आपके आगे देखे, हमने पुलिस सारी तैनात की है, आपका कोई बच्चा वो ना हो,
जल्दी से, और जो चीज हमारी गुमी है ना उसको अभी अभी के अभी लेकर आए। आपके आपके जो है ना माशाल्लाह से नामालूम अफरादों ने जो है ना हमारे यहाँ से स्पीकर और वो उठाया, वो जल्दी से जल्दी पहुँचाए कैंप में, जल्दी करें।